जय हिंद साथियों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो बेटा जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज हम लोगों के एक न्यू बैच का आगाज हो चुका है आई वी पी एस क्लर्क यहाँ पे एक सेकेंड चलो भाई, ओके आवाज नहीं है ठीक है अब तो आ गई ना हाँ तो बेटा मैंने ये बोला कि कल जो क्लास हुई है हम लोगों की उस क्लास में हम लोगों ने बेसिक भी पढ़ा है है ना आ, बेसिक ने मतलब एक प्लान बताया कि हम लोग कैसे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या चीज हम लोग पढ़ाने वाले कैसी चीजें हम लोग पढ़ाने वाले हैं किस टाइप से हम लोग चलने वाले हैं मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं आप सभी के लिए जो टीम हम लोगों की है जैसे रीजनिंग का सेशन आपका रोहित सर लेते हैं इंग्लिश का मैं लेता हूं और मैथ्स का आपके अपनी जो फैकल्टी हैं अमर सर मैथ की क्लास लेते हैं तो बहुत ही एक अच्छी टीम है जिसका अपना अंदाज है पढ़ाने का और बहुत अच्छी खुशी हुई कि जब एस एग्जाम हुआ मैक्सिमम बच्चों के हमें एक मैसेज मिले कि मैक्सिमम चीजें वो मिली जो आप लोगों की टीम ने हमें पढ़ाया था हम लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हमने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट किया और तो जैसा कि आप लोगों ने एनालिसिस को भी देखा होगा फर्स्ट जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था तो उसमें जिन भी बच्चों से आपकी बातें हुई उन बच्चों ने 86, 85, 86, 85, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं और तो मैं दिखाऊंगा जिस दिन रिजल्ट भी आएगा तो बेटा बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी होगा तो ऐसा ही एक नेक्स्ट यहाँ पे प्लान बनाया गया है एक नेक्स्ट प्लान हम लोगों ने बनाया है बेटा वो है आपके आई क्लर्क का आई क्लर्क हम लोग अभी बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोगों ने 45 दिन का यानी कि 45 फाइव डेज का एक प्लान हम लोगों ने बनाया है और जिसमें हम लोग क्या है एक टॉपिक को मिनिमम थ्री टू फोर क्लासेस देने वाले हैं इतनी क्लासेज आपके लेने वाला हूं बिल्कुल बेसिक भी पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ भी चलने वाले हैं जैसा सहयोग आप लोगों ने मुझे दिया लास्ट बैच में कोशिश कीजिएगा कि अभी भी इस बैच में भी ऐसे ही कोशिश कीजिएगा लास्ट बैच में बहुत ही अच्छा आप लोगों लोगों ने हम लो का साथ दिया है और और आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की और जिसकी वजह से आपके बहुत से स्टूडेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए देखो बेटा ये तो बैच होगा आपका वाई यानी कि यूट्यूब पे बैच होगा ठीक है ये जो बैच होगा अब बहुत से बच्चे हैं देखो कभी कभी क्या है यूट्यूब पे वो माहौल नहीं मिल पाता है मैक्सिमम बच्चे आ जाते हैं कमेंट को देखते हुए या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि हम लोगों का एक बैच बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है यानी कि ट्वेंटियथ जुलाई से शायद में भी उस बैच की स्टार्टिंग हो जाएगी हो तो सकता है पहले भी हो जाए तो बच्चे वो क्या है वो आपका आई का एस का एक बैच आपके सामने होने वाला है जिसकी फी शायद में भी वन टू वन नाइन नाइन होगी अभी मतलब हो जाएगा फाइनली उसमें जो 500 सौ स्टूडेंट होंगे पहले 500 सौ स्टूडेंट होंगे उनको एक बेनिफिट होगा उनको इंग्लिश का एंड रीजनिंग का देखो ये जो फी रखी गई है मैथ्स की फी रखी गई है ये मैथ्स का बैच होगा लेकिन जो पहले 500 सौ स्टूडेंट होंगे उनके लिए इंग्लिश एंड जो रीजनिंग का सब्जेक्ट होगा बेटा इनकी क्लासेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी है ना एक बिग गिव अवे बोल सकते हो बिग गिव अवे आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है ये कि जो पहले 500 स्टूडेंट हो गए उनके लिए क्या है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दोनों बैचेज मिल जाएंगे बहुत अच्छी बात है ये भी ट्वेंटी जुलाई को आपका बैच आपका स्टार्ट होने वाला है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी सभी को नमस्ते गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते भाई देखो सबसे पहले आज हम लोग छोटी छोटी बेसिक वो कैब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यादा टफ वो कैब हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक वो कैब पढ़ेंगे आज पहला दिन है फर्स्ट डे है तो को, कोई वो चीज़ें भी हम लोग नहीं उठाएंगे जिससे आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो चलो तो क्वेश्चन नंबर वन पे हम लोग चलते हैं बिल्कुल ध्यान से ओके ठीक है। ओके। बेटा एक बार सभी बच्चना अच्छे से साथ दीजिए शेयर कीजिए आप लोग ठीक है हाँ बेटा मैथ की क्लास की जो टाइमिंग है वो शाम को रहेगी और जो रीजनिंग की क्लास की टाइमिंग है वो सुबह नौ बजे हो जाएगी अभी इसके बाद रीजनिंग का सेशन होगा देखो पहला वर्ड है लिथार्जिक जिसका मतलब होता है यानी कि इनएक्टिव और लेजी आप लोग बोल सकते हो ठीक है उसके बाद बच्चे यहां पे है लोकासियस लोगों का काम होता है कहने का है ना तो इसका हिंदी मतलब हुआ बातुनी एंड इंग्लिश मीनिंग इज टोकेटिव टोकेटिव इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा बिल्कुल ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं यहां पे एक वर्ड गिवन है मेलाइस एक रूट वर्ड आप लोग यहां पे बोल सकते हो है ना एम ए एल एम एल जो एक नेगेटिव सेंस देता है हमेशा ही नेगेटिव जो भी वर्ड एम ए एल से बनता है बेटा वो हमेशा ही एक नेगेटिव सेंस को देगा तो यहां है दुर्भावना लिखा हुआ है यानी कि बिटरनेस आप लोग इसका मीनिंग निकाल सकते हो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मैमोथ आपके बैंकिंग एग्जाम में बहुत टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स आ चुका है जिसका मतलब होता है विशाल मतलब एक बहुत बड़े साइज में हम लोग बोल सकते हैं ठीक है मेमोथ का मतलब और इसका जो मीनिंग हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा जाइगनेटिक हो जाएगा इनोरमस आप लोग बोल सकते हो इनोरमस हो जाएगा जाइग्नेटिक वर्ड यहाँ पे हो जाएगा ये चीजें भी आप सभी बच्चे को याद होने चाहिए है ना जाइग्नेटिक वर्ड मैक्सिमम बेटा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज आप लोग ध्यान में रखना मैक्सिमम जगह देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहां पर लिया गया मेडर एम ई ए एन डी आर इसका मतलब होता है कहते हैं कोई मतलब जैसे रोटेशन होती है रोटेशन कभी इस साइड कभी उस साइड कभी ऐसे कभी वैसे कभी इस मोशन में मतलब जिसकी कोई भी दिशा नहीं होती है दिशाहीन आप लोग बोल सकते हो मतलब विदाउट डायरेक्शन आप लोग मूव करना वो आपका क्या होता है मिंडर तो इसका जो हो जाएगा कर एंड वॉन्डर इसका कहना सही हो जाएगा चलो मैलो एम ए डबल एल और डब्लो मेलो मेलो का मतलब होता है बेटा क्या मधुर यानी कि जेनियल जेनियल भी एक अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद नोवेल मीन न्यू होता है यूनिक आप लोग बोल सकते हो आगे लिखा हुआ है ऑर्थोडॉक्स जिसका मतलब होता है परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल एक बहुत ही पहले का वर्ड है है देखो इसका मतलब है, ये वर्ड बेटा आपके ना बैंकिंग एग्जाम में एसएससी एस एग्जाम में, में मैक्सिम टाइम पूछा जाता है जिसका मतलब होता है निष्कासित करना मतलब किसी चीज को निकाल देना है ना किसी को निकाल देना लाइक like, एक्सपेल बैनिस इसका क्या हो जाएगा मतलब हो जाएगा आगे जाओगे पैक्युलर पैक्यूलियर का मतलब आप लोग शायद मैं भी जानते हैं। जो अजीब होता है ये बिल्कुल ही है आप लोग एजली इसको देख लोगे एक, कुछ वर्ड्स आप लोगों को मैं बता देता हूं जैसे कि पेरिलियस वर्ड होता है यहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछता बैंकिंग क्वेश्चन कैसे देखो एक ऐसा ही वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हार्मफुल सिनोनिम बोल सकते इसका जैसे यहाँ पे वर्ड गिवन है पेरेलियास पेरेलियस और एक वर्ड होता है लिख लेना आप लोग नोट डाउन करते चलना तो बेटे इनकी साथ में आप लोग ध्यान रखना जो प्रेपोजिशन होता है वो हम लोग मैक्सिमम टाइम में क्या लेते हैं टू को लेते हैं ठीक है तो हेडस हो सकता है डेंजर्स पे हो सकता है है बिल्कुल सही आगे जाओगे यहां की बना जिसका मतलब होता है किसी चीज पे अड़े रहना इंसिस्ट या कॉन्टिन्यू आप लोग बोल सकते हो बने रहना किसी चीज पे चलो भाई ये बेसिक बेसिक वर्ड की हम लोगों ने बातें की अब बेस पढ़ते हैं बिल्कुल हम लोग नाउन के बेस से चलते हैं बेटा एक एक चीज आपको मैं समझाने वाला हूं सभी चीजें है ना तो जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए अभी तो एक सिंपल सिंपल सी वोकैब हम लोगों ने पढ़ी है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल नाउन का बेसिक यानी कि नाउन बेसिक हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए हाउ द जोश हाउ द जोश जल्दी जल्दी आप लोग बताइए आज पहला दिन है को आज तो कोशिश कीजिए अच्छे वाली है ना बहुत ही बढ़िया भाई हाँ ओके YouTube पे SBI बी आई मेन्स का होगा बेटा बिल्कुल होगा आप क्यों टेंशन लेते हो सभी का होगा ना हाँ बिल्कुल जोश में आ जाओ सभी बच्चे जोश में आ जाओ एक बार आप लोग सभी सेशन को शेयर कीजिए आईबीपीएस के बैच का आगाज हो चुका है और हम भी जोश में है बेटा एक नए उत्साह के साथ हैं और मुझे भी पता है कि अब की बार जो बच्चे जिन बच्चों का किसी वजह से एसबीआई अच्छा नहीं निकला है एसबीआई हो सकता है कि उनको लगाया वो नहीं हो पाया जो हमें नीड थी तो कोई बात नहीं बेटा एस नहीं तो आई सही और अब की बार कोशिश किया जाए एक कसम खा लो लास्ट एंड फाइनल एग्जाम है लाइफ का यदि आपको आईबीपीएस एंड एस क्लर्क देना है तो और यह एग्जाम यदि क्वालिफाई नहीं हुआ तो आगे हम लोग बैंक को छोड़ के और कोई बढ़िया एग्जाम पे लग जाएंगे एक ऐसी कसम खा लो कि इसके अलावा हमें ऑप्शन ना दिखे है ना और यदि भाई आप लोगों का आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई हो जाता कहीं ना कहीं आप जब पीओ एग्जाम दोगे एस बी आई पी दोगे या आई बी दोगे या आर का एग्जाम दोगे नवार्ड का एग्जाम दोगे ना तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और एक टेंशन भी खत्म हो जाती है जब एक जॉब आपको मिल जाएगी एक आप लोग स्टेबल हो जाओगे तो आगे एस बी बनने का भी मौका आप लोगों को मिल जाएगा तो सबसे पहले हाँ आप सुबह से ही क्लास होगा शाम को नहीं होगा और साथ आप लोगों को देना है अभी एक छोटी सी कोशिश कीजिए अभी आप जितने स्टूडेंट हो बेटा मुझे आज नीड है फर्स्ट डे है ज्यादा नहीं बोलूंगा बट सेवेंटी प्लस एक बार मिनिमम कोशिश कीजिए कि एक बार सेशन को शेयर कीजिए देखो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि नाउन क्या होता है बच्चे हम लोग बेसिक समझते हैं बिल्कुल नाउन को हम लोग बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड इट इज अ नेम मीन्स नेमिंग वर्ड नाउन का जो सेकेंड नेम होता है बच्चे वो होता है नेमिंग वर्ड मतलब कोई भी जो नेम होता है उस नेम को हम लोग क्या बोल सकते हैं एक नेमिंग वर्ड हम लोग यहां पे बोल सकते हैं यदि एक सिंपल डेफिनेशन हम लोग जानना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा नेम ऑफ नेम ऑफ पर्सन नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एंड एनिमल नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल यानी किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग के नेम को हम लोग क्या बोलते हैं नाउन बोलते हैं एग्जाम्पल यदि आप लोग देखोगे बेटा बहुत से एग्जाम्पल बन जाएंगे जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं यहां पे मैन बॉय कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक वुड उसके बाद इंडिया पाकिस्तान चाइना एंड आपका यहां पे काउ डॉग ये सभी एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल हो जाएंगे, के हो जाएंगे. एक चीज आपको यहां हैं ऑल विजिबल थिंग्स आर नाउन जो भी थिंग्स विजिबल होता है बच्चे वो हमेशा नाउन होता है अब मान लो जैसे मैं अपना बताता हूं मैंने क्या किया अपनी आंखें ओपन की जैसे आंखें ओपन की तो सामने मुझे क्या दिखा सामने मुझे देखा कि यहाँ पे यार एक चेयर है एसी लगा हुआ है लाइट यहाँ पे है सामने एक इंसान भी खड़ा है एक बोतल यहां पे रखी है एक लैपटॉप यहाँ पे है एक एलईडी ई डी यहाँ पे लगी हुई है और हाथ में पेन है यहां पे एक वॉच भी है यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है उसके बाद यहाँ पे पता नहीं कितनी चीजें मुझे दिखाई दी दिखा जो भी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दिया जो भी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दिया जो चीजें मैं देख सकता हूँ वो चीजें आपकी क्या होंगी नाउन होंगी मीन्स ऑल विजिबल थिंग्स आर नाउन बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जब भी हम लोग कोई भी बात बोलते हैं कोई भी चीज सोचते हैं तो बेटा उसका नेगेटिव या बोल सकते हो उसका अपोजिट मीनिंग माइंड में आता ही जाता है मतलब उसका सेकंड मीनिंग एक माइंड में तैयार हो जाता है मैंने कहा कि जितनी भी विजिबल थिंग है ऑल विजिबल थिंग्स आर नाउन बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया ठीक है विजिबल थिंग नाउन है मैं हम लोग मान गए कि विजिबल थिंग्स नाउन है बट इनविजिबल थिंग नाउन नहीं होगा भाई क्वेश्चन तो बन गया क्योंकि अपोजिट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हमेशा ही बनता है जब हम कोई भी, भी किसी एग्जाम के लिए लगते हैं जैसे आप लोगों ने आईबीपीएस फॉर्म अप्लाई किया होगा बहुत से बच्चों ने अप्लाई कर दिया होगा जो जोश में है है ना तो उनके माइंड में आएगा यार यदि आई एग्जाम बाय द वे बाई नहीं हुआ तो आगे हम लोग क्या प्लानिंग है मतलब एक प्लान हम लोग लेके चलते हैं भाई आगे एस बी पीओ देना है आई बी पीओ देना है बहुत से बच्चे मान के चलते एक बार बेस यहाँ पे बना ले देन हम लोग पीओ का एग्जाम देंगे ना तो बहुत सी प्लानिंग होती है तो भाई ऐसे ही प्लानिंग आप लोगों की है कि मैंने कहा ऑल विजिबल थिंग्स आर नाउन जो विजिबल थिंग है वो नाउन है तो बट सामने से क्वेश्चन आ गया तो क्या इनविजिबल थिंग नाउन नहीं है मैंने कहा मैंने ऐसा तो नहीं बोला मैंने कहा मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि इनविजिबल थिंग नाउन नहीं है बट मैंने ये बोला है कि जो विजिबल होगा वो डेफिनेट नाउन होगा बट मैंने ऐसा नहीं बोला कि जो इनविजिबल होगा वो नाउन नहीं होगा आप समझिए मैंने बोला जो विजिबल है वो नाउन है बट जो इनविजिबल है भाई वो भी नाउन हो सकता है मीन्स जो इनविजिबल केस होगा यानी कि इनविजिबल जो थिंग होंगे इनविजिबल थिंग्स भी नाउन हो सकती है यूज एज ए नाउन बट एक चीज आपको देखना है इनविजिबल थिंग्स नाउन हो सकती है बट कब इनविजिबल थिंग नाउन कब हो सकती है तो वही बातें आप लोगों को मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इनविजिबल थिंग्स आपकी नाउन हो सकती है लेकिन कब हो सकती है जब इनविजिबल थिंग को क्या किया जाए फेल्ट किया जाए महसूस किया जाए मतलब इनविजिबल थिंग फीलिंग ली जाए अब फीलिंग से अच्छा तो आपको क्या समझ सकते हो आप लोगों से अच्छी तो फीलिंग कौन समझ सकता है ना फीलिंग आप लोग बड़ी समझ जाते हो बड़ी समझ जाते हो आप लोग फीलिंग तो है ना तो जिस भी थिंग को फेल्ट किया जाए फील किया जाए तो वो भी आपके क्या हो जाएगी नाउन हो जाएगी मतलब जितने भी इमोशंस होते हैं जो भी इमोशंस है है बेटा ना जितनी भी फीलिंग्स होती हैं ये सभी चीजें क्या होती हैं ये नाउन ही तो होती है एक्शन क्या होगा नाउन होगा समझ गए जैसे मैंने क्या है मैं यहां पे खड़ा हूं मैं जब भाग भाग के आया क्लास में भाग भाग के आया और मुझे काफी अच्छा एकदम देखते हैं कि पसीना आ गया और पसीना आया हुआ था जैसे मैं क्लास के लिए मैंने कहा जैसे मैं क्लास में आया तो मैंने देखा यार बहुत ज्यादा आ चुके है, और मेरे सामने किसी ने क्या किया एसी लगा दिया तो एसी से जो हवा निकल के आई मैंने उसको कहा यार बड़ा मजा आ गया ना बहुत बो, बो, एंजॉय किया मैंने उस हवा को उस एयर को क्या किया एंजॉय किया जो हवा सामने से निकल के आई मैंने उसको क्या किया फील किया तो जिसको भी फील किया जाए वो हमेशा ही एक नाउन होता है है ना कभी कभी लाइफ में आपको लव हुआ होगा कभी कभी लाइफ में आपको लव हुआ होगा हाँ या ना बता भी दो भाई हुआ या नहीं हुआ है हुआ होगा क्योंकि आप लोग सभी दिल जले हो एक से बढ़ एक दिल जला यहाँ पे है कोई ऐसा नहीं होगा जिसको लव नहीं हुआ होगा है ना अरे ना लाइको माँ बाप से लव कीजिए ना वो सबसे अच्छा लव होता है अपने देश से लव कीजिए अपने एस बैंक से लव कीजिए अपने आई बैंक से लव कीजिए ये क्या कहाँ पर चले जाते हो आप लोग सोनिका मोनिका सिंकू पिंकू चिंकू ये लव नहीं होता है ना बट आप लोग इतने दिल जले हो कि आपने लव को भी क्या किया होगा फील किया होगा या कभी आप लोगों ने देखा कि यार ये सामने से लव आ गया देखो सामने से वो आ गया वहां पे मैंने गेट ओपन किया वो देखो सामने से लव आ गया ये 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 आ गया, ये आ आ गया 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 और ये हम लोगों में लव आके घुस गया कभी ऐसा हुआ है कभी आप लोगों ने फील देखा कभी देखा कि यार डेथ डेथ हो गई वो आ गई सामने से डेथ आ गई ये डेथ आ गई देखो यहां से यहां से यहां यहां से से ऐसे 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 निकल के सामने से डेथ निकल के चली गई कभी ऐसा हुआ है आप बोलोगे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है है ना तो मीस ये चीजें क्या होती हैं फील होती है और जो चीजें फील हो जाए बेटा वो हमेशा क्या होगा जो चीजें फील होती हैं वो सब क्या हो जाएंगे आपकी इनविजिबल हो जाएगा वो भी आपका नाउन हो सकता है और जो इनविजिबल है कोई फीलिंग ही नहीं है तो वो तो हमें दिखेगा ही नहीं है ना अब भूत किसी को दिखा है कहते कि भूत आ गया भूत आ गया बोलते भूतनी के बोलते ना हमेशा कभी भूतनी देखी है कभी भूत आप लोगों ने देखा है कभी भगवान आप लोगों ने देखा है नहीं देखा ना ऐसे मान कि नाउन समझ गए कोशिश कीजिए बातों को समझने की ओके सर कोई इंग्लिश का रामबाण इलाज बताओ बेटा एक काम कीजिए एक ग्लास लीजिए ये ये ग्लास हम लोग बना हैं, इसमें क्या कीजिए इतना पानी डालिए ये पानी हो गया इस पानी को तीन दिन के लिए अच्छी खासी धूप में रख दीजिए जिसमें मिनिमम तापमान हो लगभग 50 के आसपास 50 डिग्री सेल्सियस कम से कम तीन दिन इसको अच्छी खासी धूप में रखिए जो पानी बचेगा उड़ गया तो ठीक है भाई जो पानी बच गया उसको पी लेना और ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक रामबाण इलाज हो जाएगा यदि आपके लिए पानी बच गया और आपने उस पानी को पी लिया तो आपका इंग्लिश का एग्जाम पास आपका आईबीपीएस एग्जाम पास ठीक है सबसे अच्छा इलाज है ये चले तो बेटा ये हो गया आपका क्या इनविजिबल थिंग्स हो गई जो मैंने आपको बताया उसके बाद सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सभी के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमेशा डेफिनेट आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है क्या क्वेश्चन पूछता है ध्यान से देखना आप लोग मैं आपको बोलता हूं कि आ, यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों वाला एग्जाम्पल ताकि आपको भी लगे कि हाँ हाँ यार कुछ हमें समझ में आया आज आज पहली क्लास में हमें समझ आया मैंने कहा मैं खुद को ले लेता हूं आई आई की जगह आई से बात नहीं बनेगी हम लोग मोहन को ले लेते हैं ना मोहन एड्स ब्लैंक और ये क्वेश्चन बनना है कभी कभी लव हुआ होगा किसको देख लेते हैं किसको हुआ होगा लवस सोनिया सोनिया को लव हुआ होगा है ना और कभी कभी यहाँ पे लव हो जाएगा मोहन को हो जाता है मोहन लवस यहाँ पे ब्लैंक ये एक चीज हम लोग यहां पे ले लेते हैं तो एक बात बताइए आप लोग सभी बच्चे मुझे एक चीज बताइए क्या कि मोहन इट्स मोहन खाता है तो एक बात आइए आपके माइंड में यहां पे क्वेश्चन क्या आया डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड में से कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया जल्दी जल्दी आप लोग बताइए जो क्वेश्चन वन है सेकंड है और थर्ड है यहां पे क्वेश्चन क्या हुआ और ये क्वेश्चन आपका क्या बना यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना इन तीनों का क्वेश्चन जो होगा वो डब्ल्यू एच फैमिली में से कौन सा वर्ड यहाँ पे बनेगा जैसे हु आएगा या वट आएगा या हुम आएगा या बेटा आपके सामने यहाँ पे विच होगा या आपके सामने यहाँ पे हाउ होगा मतलब डब्ल्यू एच फैमिली में से कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा जल्दी जल्दी आप लोग बताइए वन सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों में कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आया ओके okay, रोशन बिल्कुल हां बेटा बताओ 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 की बात सुनने वाला हूं कोस्ट गार्ड का एग्जाम है मैं हां बिल्कुल ले सकते हो बेटा बिल्कुल ले सकते हो ठीक है अच्छे से ले सकते हो नोट्स बना सकते हो क्वेश्चंस भी होंगे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी होंगे वो भी आप लोग देख सकते हो जी सेकंड वन में हु ओके okay, व्हाट वाई तो होता ही नहीं है डब्ल्यू एच ए वाई तो कोई वर्ड ही नहीं होता भाई हाँ वट होता है वट वट हुट हु वट हु वट हु वट हु ओके बहुत ही लाजवाब आ गया ना देखो बहुत ही लाजवाब बिल्कुल भाई यदि आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सभी बातें समझ आएंगे आपने मुझे समझा दिया क्या समझा दिया कि भाई इंग्लिश वाले एक बात समझिए आपका क्वेश्चन नहीं है यहां पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे यहां पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना मोहन खाता है मोहन खाता है। आपने कहा वट क्या यानी कि क्वेश्चन नंबर वन में आपके सामने क्वेश्चन बना वॉट मैंने कहा अपनी जो सोनिया है, है ना सोनिया से लव करता है आपने कहा कौन कौन सोनिया से लव करता है यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो गया हु हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने कहा मोहन लव मोहन लव करता है आपने कहा किस से ऐसा होता ऐसा है हो तो ना कि पूछने की यार सोनिया से लव करता है। कौन मतलब एक फीलिंग आती है पूछने वाली कि यार बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्द बताओ कौन है कौन है कौन है ना नाम बताओ नाम बताओ हमें दिखाओ वो कौन है हमें दिखाओ वो कौन है ना कभी ऐसे पूछते हैं कि जैसे कोई ऐसी चीजें आ गई हैं कि उनसे एग्जाम निकल जाएगा भाई ऐसा कि एग्जाम आपका मान लो कि एग्जाम लीक हो गया और हमें सबसे पहले मिलने वाला दिखाओ 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 हम लोग इन बातों को ऐसे पूछते ना कि बताओ क्या होने वाला बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ है ना तो ये आप लोग पूछते हो तो मोहन लाउस मोहन लाउ करता है आप बोलोगे किससे मतलब होम यही क्वेश्चन बनेगा एक बात बताइए वट की जगह हम लोग क्या लगाए मोहन खाता है वट क्या तो आप बोलोगे क्या खाएगा कोई ना कोई थिंग होगी ना जो विजिबल होगी उसी को तो खाएगा अब ये तो है नहीं भाई मोहन ने क्या किया मोहन ने ऐसे बोला कि कोई इनविजिबल थिंग उसने ऐसे आ किया और कोई भी इनविजिबल थिंग आके उसके अपने आप यहां पे घुस गए मोहन बिल्कुल अच्छे से मोहन का पेट भर गया मोहन भाग गया ऐसा तो नहीं होगा मतलब जो भी चीजें हम लोग खाते हैं वो हमेशा क्या होती है अब वो हमेशा विजिबल होती है जो भी चीजें खाते हैं वो हमेशा विजिबल होती हैं और जो चीजें विजिबल होती हैं बच्चे उनका जो जवाब होता है ना वो अपने आप पे तो नाउन होगा तो मीन्स वट हु एंड होम दोनों यूज होते हैं पर्सन के लिए और पर्सन क्या होता है नाउन होता है मीन्स कभी भी यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए वट हु एंड होम इनका जो रिप्लाई होता है बच्चे वो वो हमेशा क्या होगा 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 एक इनका जो मोहन लाओ सोनिया हो जाएगा है है ना तो का जो होता वो हमेशा ही एक नाउन होता है समझ आ गया वो हमेशा ही क्या होगा एक नाउन होगा आगे बढ़े उसके बाद बेटा यदि हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन नाउन की टाइप्स कौन कौन से होते हैं जो मेन चीज है आपके एग्जाम्स के लिए टाइप्स ऑफ नाउन नाउन की टाइप्स कौन कौन सी है कोई भी स्टूडेंट लिखने की कोशिश ना करे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास खत्म होने से पहले अपना जो टेलीग्राम चैनल है आपके सामने ही आपके सामने ही यहां पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा ठीक है आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको लिखने की नीड नहीं है जो मैंने लिखा हुआ सेम चीजें आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ नाउन की बात किया जाए देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन वन इज प्रॉपर नाउन देन सेकेंड वन इज कॉमन नाउन थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन उसके बाद नेक्स्ट वन इज मेटेरियल नाउन फाइव is abstract नाउन यही हो जाएगा ये फाइव नाइन नाउन आप लोगों के सामने गए फाइव के फाइव नाउन आप लोग सामने आ गए है ना हाँ उसके बाद आप लोग समझिए देखो सबसे पहले हम लोग नाउन वन को ले लेते हैं यहां पे नाउन वन को लेके चलते हैं सबसे पहले कोशिश कीजिए नाउन वन को हम लोग ले लेते हैं यहां पे प्रॉपर नाउन बेटा इसमें हम लोग बोलेंगे नेम ऑफ नेम ऑफ अ नेम ऑफ अस्पेसिफिक पर्सन और प्लेस देखो अब मैंने क्या किया आपकी एक क्लास यहां पे चली हुई है आपकी एक क्लास यहां पे चली हुई है और आपकी क्लास में देखा कि सेवनटी स्टूडेंट यहां पे अभी आपकी क्लास में हैं अब सेवेंटी स्टूडेंट हैं मतलब यहां पे सेवेंटी स्टूडेंट है तो एक बात बताइए बेटा यहां पे जो स्टूडेंट मैंने बोला ये स्टूडेंट कितने है? 70 हैं सेवेंटी है ना इसमें से क्या है लगभग चालीस के आसपास कौन है बॉयज हैं और तीस के आसपास क्या है गर्ल्स हैं इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता अब ये तो है नहीं कोई कोई भैंस है कि हम लोग एक क्लास लेती होगी ऐसा तो नहीं हो सकता ना तो इनमें से कोई ना कोई होगा या तो गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे अब देखो ये जो बॉयज है बेटा ये क्या है ये एक कॉमन नाउन है मैंने क्या क्या इन बॉयज में से जो बॉयज आपके सामने लिखा हुआ है इन बॉयज में से मैंने एक बॉय को उठा लिया मैंने एक को उठा लिया और मैंने उनको एक नेम दे दिया क्या नेम दे दिया मैंने उनको नेम दे दिया मोहन मैंने उनको एक नेम दे दिया क्या मोहन एक नेम दे दिया बेटा जो मैंने यहां पे मोहन यहां पे यूज किया तो मोहन एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो मोहन की बातें की गई है मोहन एक क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा ऐसे ही क्या हुआ इन लड़कियों में से गर्ल्स में से मैंने एक गर्ल्स को निकाल लिया जिनका नेम क्या था जिनका नेम रेतु है तो यहां पे जो रेतु की बात की गई वो भी क्या हो जाएंगे एक प्रॉपर नाउन हो जाएंगे मतलब एक बात समझिए आप लोग क्या कि जब किसी भी कॉमन नाउन को जब किसी भी कॉमन नाउन को जब किसी भी कॉमन नाउन को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाए एक यूनिक आईडी दे दी जाए एक यूनिक आईडी दे दी जाए एक नेम दे दिया जाए तो बच्चे वो यूनिक आईडी अपने आप में क्या बन जाएगा एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा सबसे मेन है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आपको बताना चाहूं भाई जो अपना एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग जानना चाहें तो एक बात आपको बताना चाहता हूं बच्चे कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं जो भी नेम होते हैं आप इनके आगे आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते इनके आगे आर्टिकल ए एन नहीं आएगा डोंट यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन बिफोर प्रॉपर नाउन मतलब इन नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा सेकंड थिंग आपको बताना चाहता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो भी नेम होते हैं जो एक प्रॉपर नाउन होते हैं बच्चे इनके साथ में हम कभी भी एस ई एस को नहीं लगाएंगे इनके साथ में कभी एस ई एस हम लोग नहीं लगाएंगे मतलब समझो इस बात का कि जो प्रॉपर नाउन होता है ये आपका प्लुरल फॉर्म में नहीं होगा प्लुरल फॉर्म में नहीं होगा ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है और इस नाउन के साथ जो वॉब के साथ जो आएगा बेटा वो आपका हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगा कुछ बातें हैं जल्दी जल्दी आप लोग एक बार देख लीजिए किसी भी बच्चे का यदि कोई भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है बहुत बहुत धन्यवाद बेटा इतने ही सही हम लोग इतनों से ही आगे बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि जिस दिन बच्चे एस एग्जाम में गए होंगे तो डेफिनेट उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा होगा ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने हम मुझसे ही पढ़ के एग्जाम निकाला है मुझसे पढ़ के ये किया है बट यदि उन्होंने 10 दिन जो मैंने एग्जाम लिए थे यदि उन्होंने 10 दिन भी एग्जाम अच्छे से मेहनत की होगी तो बेटा मुझे पक्का विश्वास है कि उन बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल में आसमान पर था और शायद उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी किए हैं और भगवान ने चाह तो इस टाइम भी अब की बार भी इंग्लिश में एक बच्चे ने तीस के तीस क्वेश्चन किए हैं जो पहले दिन से ऑफलाइन बैच में भी मुझसे पढ़ता था और आपके यहाँ पे भी वो बच्चा हमेशा क्लास लेता था अभी नाम तो नहीं बताऊँगा यदि भगवान ने चाहा बेटा उन्होंने कहा कि सर तीस का तीस पक्का है जहाँ तक कोशिश है मतलब अगेन बैंक में इंग्लिश में तीस में से तीस मार्क्स आना बहुत बड़ी बात होती है लेकिन वही ना भगवान ने चाहा तो शायद होगा कोई बाई मिस्टेक क्वेश्चन का गलत हुआ तो मैं कह नहीं सकता हूँ बाकी चांसेज हैं अगेन एक लड़का होगा लाइफ में कि जिसके बैंक में तीस में से तीस मार्क्स आएंगे इंग्लिश में है ना और मैं चाहता हूं बेटा आप लोगों में से भी कोई ना कोई निकले आप लोगों में से भी कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट आए जो अब आई क्लर्क में तीस में से तीस मार्क्स वो निकाले ठीक है तो कोशिश कीजिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सभी जानते हो ना हाँ तो सेकेंड बेटा एक कॉमन नाउन सेकेंड है यहां पर कॉमन नाउन कॉमन नाउन बेटा आप लोग ध्यान से समझो कॉमन नाउन क्या होता है इट इट इज इज अ नेम 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 मतलब जो जर्नल नेम होते हैं जैसे हमने बात की कि आपके क्लास में सेवेंटी स्टूडेंट हैं अब सेवनटी स्टूडेंट में से मुझे पता है कि कुछ तो क्या होंगे बॉय होंगे बॉयज होंगे कुछ क्या होंगे हम लोग बॉय लिख लेते हैं यहां पे कुछ क्या होंगे गर्ल होंगे है ना और ऐसे हम लोग ऐसे मान लिया कि मेरे पास कोई एनिमल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमल ठीक है तो बेटा ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे जैसे मान लो टेबल पेन ये चीजें होती हैं तो ये सब भी क्या है मतलब जो थिंग्स विजिबल होती है मैक्सिमम जो थिंग्स विजिबल होती है उसको यूज किया जाता है एक कॉमन नाउन में ठीक है ना मैक्सिमम देखोगे जैसे मान लिया कि कोई सामने लड़का खड़ा है अब तो मुझे थोड़ा नहीं पता कि मोहन है मैं क्या बोलूंगा यार सामने एक लड़का खड़ा है सामने एक लड़का खड़ा है सामने एक बॉय है तो बॉय क्या होगा कॉमन आउन होगा मैंने कहा यार सामने एक लड़का और लड़की दोनों खड़े हैं तो बॉय एंड गर्ल क्या हो जाएगा कॉमन आउन हो जाएगा जब भी आप किसी विजिबल थिंग को देखते हो हाँ जब भी आप किसी भी विजिबल थिंग्स को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको एक कॉमन नाउन ही मान सकते हो ठीक है तो बॉय गर्ल एनिमल ये सब आपका क्या हो जाएगा बच्चे एक कॉमन नाउन हो जाएगा इन सभी को हम लोग कॉमन नाउन बोल सकते हैं अब कुछ बातें होती है कॉमन नाउन की वो मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होते हैं जो एग्जाम में यूज होते हैं वन बाय वन सभी बता देता हूं देखो सीएन का मतलब मैं बेटा यहां पे लिखूंगा कॉमन नाउन सी एन मीन कॉमन नाउन ये चीज आप लोग ध्यान में रखना देखो कॉमन नाउन के आगे बेटा कोई भी आर्टिकल आ सकता है ए एन एंड द कोई भी आर्टिकल आप लोग लगा सकते हो कॉमन नाउन के आगे कोई भी किसी भी आर्टिकल का यूज हो सकता है ना सेकंड थिंग आपको मैं बताना चाहूंगा भी जो कॉमन नाउन होता है कॉमन नाउन दोनों फॉर्म में होता है मींस कॉमन नाउन को आप सिंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हो और कॉमन नाउन को आप लोग प्लुरल फॉर्म में भी बना सकते हो जब यह सिंगुलर फॉर्म में होगा बेटा तो हेल्पिंग वॉब एंड वॉब ये भी आपका कैसा आ जाएगा ये भी सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा और जब कॉमन नाउन होगा प्लुरल फॉर्म में तो हेल्पिंग एंड जो यूज होगा वो आपका प्लुरल फॉर्म में हो जाएगा नंबर थर्ड कॉमन नाउन के साथ में हम लोग एस ई एस को लगा सकते हैं कॉमन नाउन के साथ में हम लोग एस ई एस फॉर्मेशन कर सकते हैं ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है हाँ तो इंग्लिश की क्लास कितने बजे हो गए बेटा इंग्लिश की क्लास हमेशा सुबह आठ बजे होगी अब शाम को नहीं ले पाऊंगा मैं किसी वजह से है ना तो सुबह ही क्लास होगी हाँ देखो एक प्रॉपर नाउन में एक बात होती है एक जनरल सेंस होती है भाई जब इस नाउन को लिखा जाएगा तो जो इसका इनिशियल इनिशियल लेटर होता है बेटा वो हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल फॉर्म में कैपिटल फॉर्म में ठीक है जब भी जैसे मोहन लिखोगे तो मोहन का एम बड़ा आएगा रितु का आर बड़ा आएगा इंडिया का आई बड़ा होगा ना ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए बट कॉमन नाउन में क्या होता है कॉमन नाउन में हम लोग क्या है जो इसका इनिशियल लेटर होता है बेटा उसको हम लोग स्मॉल में लिख सकते हैं बट कोशिश कीजिए वो एक सब्जेक्ट ना हो मतलब क्या है वो एक सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस का सब्जेक्ट ना हो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आपको कैपिटल फॉर्म में लिखना पड़ेगा ये हमने बातें की कॉमन नाउन की इसके बाद बच्चे हम लोगों के सामने आ जाता है कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन आप लोगों के सामने आ जाता है कलेक्टिव नाउंस मीन्स what? नेम ऑफ नेम ऑफ a कलेक्शन ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स एक जैसी थिंग्स की जो कलेक्शन हो जाती है एक जैसी थिंग्स की जो कलेक्शन हो जाती है बता दो सर आप क्लास डेली मॉर्निंग में होगा या केवल आज के लिए हमेशा ही होगा बेटा हमेशा ही ठीक है हमेशा ही होगा और कोशिश होगी कि एक अच्छे से एक जोश के साथ बैच को निकाला जाए है ना बहुत ही अच्छी टाइमिंग हमें मिली है एट ए एम सुबह सुबह सभी बच्चों में जोश भी होता है और एक मज़ा भी आता है पढ़ाने का भी एक अपना ही मज़ा होता है और शायद आप लोगों का अच्छा खासा फीडबैक हुआ तो बहुत जल्दी आप लोगों में एक जोश भी आएगा एक आप में ऐसा एक जोश आ जाएगा कि यार हमें एग्ज़ाम निकालना है देखो गलती ना कीजिए बहुत से बच्चों ने गलती की लास्ट एग्जाम में एक बच्चे ने कहा मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया तो सभी के साथ होता बेटा ऐसा जब बैंकिंग बच्चे एग्जाम देते ना यदि एक दिन में एक शिफ्ट में टेन थाउजेंड बच्चों ने एग्जाम दिया तो उसमें नाइन थाउजेंड स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी यही समस्या होती है कि उनको टाइम का पता ही नहीं लगता है आखिर इस टाइम का पता लगाएं कैसे जिस दिन मैंने ये चैनल आपका ज्वाइन किया था और शायद फर्स्ट डे यदि आप लोगों ने मुझे देखा होगा पहले दिन यदि आप लोगों ने मुझे देखा होगा तो शायद वो दिन आपको याद होना चाहिए अच्छे से याद होना चाहिए मैंने पहले दिन ही जब मैंने अपनी वॉइस आपके सामने निकाली थी तो एक लाइन मैंने आपको बोली बेटा कि मैक्सिमम बैंकिंग के स्टूडेंट को क्या चाहिए मैक्सिमम बैंकिंग स्टूडेंट को एक मॉक टेस्ट हमेशा लगाना चाहिए एक मॉक हमेशा लगाना चाहिए अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे नाम देखे हैं दीवानशी दीवानशी पांडे हैं जैसे मनिकांत वेदावती मैम जो एंड आपके वीरेंद्र हैं और एक दो बच्चे का नाम भी है हम्म ओके एमपी पब्लिकेशन बेटा इंग्लिश की बुक का जो एमपी पब्लिकेशन ठीक है तो ये बच्चे वो हैं जो मुझसे कहीं ना कहीं पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ चुके हैं एंड आपका एस बी का जो एग्जाम था उसमें भी पढ़ चुके हैं सभी में मैक्सिमम देखा मैंने इन बच्चों को तो बच्चे आप वो स्टूडेंट हो जिनका सिलेबस कहीं ना कहीं हो चुका है और जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है मैं कहता हूं कि उन बच्चों को आज से ही इस सेशन से निकलते ही एक प्लानिंग बना लेनी चाहिए पैंतालीस दिन के जहां पे आप लोग पढ़ते हो जहां पे आपका टाइम टेबल लगा होता है वहां पे लिख लीजिए एक टाइम टेबल आप लोग बना लीजिए टाइम टेबल ऐसे मत बनाना कि नौ से दस इंग्लिश दस से ये मैथ कभी ऐसा मत टाइमिंग का मतलब होता है कि आज आपने सुबह सुबह उठते ही कोशिश की है कि आज मुझे मैथ्स का परसेंटेज का टॉपिक खलास मतलब निपटाना है तो जब तक मैथ का टॉपिक खत्म ना हो जाए तो आपको अपनी टेबल से जहां भी आप लोग पढ़ते हैं वहां से उठना नहीं है यह होता है टाइम टेबल तो ऐसे ही अपने टाइम टेबल में आप लोग लिख लीजिए कि डेली एक मोक हम लगाएंगे एक मोक हम लोग लगाएंगे डेली एक मोक लगाएंगे यदि आप डेली एक मोक लगाते हो मैं अब भी बोलता हूं आप लोगों को ये अगेन बोलूंगा मैं आगे भी बोलूंगा और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी सुबह सुबह आपसे एक लाइन बोलूंगा जब एग्जाम में जाओ तो एक मोक पक्का लगा के जाओ उस दिन भी और अभी आपके पास 45 दिन है यदि आप में जोश है पहला ही क्वेश्चन मैंने पूछा हाउ द जोश क्लास के लिए नहीं पूछा क्लास में तो जोश में नहीं होगी कोई बात नहीं आओ नहीं आओ आपकी इच्छा है बट एग्जाम यदि निकालना है तो लाइफ में भी जोश होना चाहिए एक दिल में भी जोश होना चाहिए और एक सीने में आग भी लगनी चाहिए और यदि आग नहीं लगती है तो मैं कहता हूं आप इंसान नहीं हो आप एक जिंदा लाश हो यदि आप में जोश और जुनून नहीं है आज भी मैं आपके साथ बहुत से एग्जाम देता हूं अपने आप को अपडेट करने के लिए कि अब एग्जाम में क्या आता है और आज भी जब एग्जाम देता हूं ना कहीं ना कहीं आपके ऑफिस से निकल के कहीं कही ना कहीं आपके ऑफिस से निकल के आज भी जोश जुनून है आपके मुखर्जी नगर में कहीं कही ना कहीं लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ज्वाइन करके अपने आप को अपडेट किया हुआ है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दस साल से ज्यादा लगभग मान के चलो इलेवन ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते और इलेवन ईयर्स के बाद भी आज भी जुनून है कि यहाँ पे जाके आज भी सेल्फ स्टडी करने का जुनून है अपडेट होने का जुनून है आज भी कभी कभी ऐसा मूड होता है कि मैं खुद एग्जाम लगा लूं, एक एग्जाम खुद लगा लूं और कभी एम बी पब्लिकेशन बुक तो कभी किरण पब्लिकेशन बुक कभी कोई एप्लीकेशन कभी कोई एप्लीकेशन कभी ऑफलाइन तो कभी ऑनलाइन आज भी एग्जाम देता हूं और जब एग्जाम देता हूं तो एक दिल में से आवाज निकलती है कि आज भी वो स्पीड मेंटेन है जो कहीं ना कहीं जब मैं एग्जाम देता था तब होती थी तो आप भी कोशिश कीजिए ऐसे डेली एक एग्जाम डेफिनेट आपको लगाना है किसी भी कीमत पे एक एग्जाम लगाना है यदि आप लोग एग्जाम नहीं लगाते ना सबसे बड़ी मिस्टेक है

समझ गए ना तो कोशिश कीजिए कि एक एग्जाम सीरीज आप ले लीजिए मैं नहीं कहता भाई आप कहीं का भी ले जो आपकी इच्छा है स्टूडेंट को रोक नहीं पाएंगे जहां से भी आपको लगे कि हमें यहां से लगाना है लेकिन लगाना है पक्का कोशिश कीजिए बेटा मेरी कुछ बातों को फॉलो कीजिए और एहसास कीजिए आप लोग एक दिन वो दिन मुझे याद है अब आप आपकी मैम सिलेक्शन हो चुका आपकी मैम का और एक दिन वो था जब उन्होंने कहा कि मुझे मुझसे ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होंगे मुझे ये सिलेबस नहीं आता मुझे मैथ्स नहीं आता मैं मेडिकल लाइन से हूं मुझे ये चीज़ नहीं पढ़नी है आहिस्ता आहिस्ता उनको जगाया समझाया अपनी जो चीज़ें थी कहते ना बलिदान दिया बहुत सी चीज़ों के लिए कभी कभी खाना भी हमें अच्छे से नहीं मिल पाता था कभी ऐसा होता था यार नहीं आज खाना नहीं मिल पाएगा मुझे पढ़ना है हम कहते कोई बात नहीं हम खुद बना के खा लेंगे हम लोग कहीं ना कहीं से बाहर से जाके हम लोग कहीं से लेके आ जाएंगे कोई बात नहीं आप मन लगा के पढ़िए कभी कभी ऐसा होता था कि यार खाने में आज जिसका मन है लेकिन हम लोग अपने आप को सोचते थे यार नहीं खाना है छोड़ कोई बात नहीं इनका पढ़ने का टाइम चला हुआ इनको पढ़ने दीजिए और एक दिन वो आ गया कि आपकी मैम खुद नाइट में दो दो तीन तीन पांच पांच, पांच सुबह पांच पांच, पांच, पांच बजे तक मैथ्स इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश को पढ़ने लग गए और उस दिन में समझ गया था कि अब शायद हम लोगों का जो एम था जो मैंने एक एम सोचा था शायद वो अब कंप्लीट होने वाला है और वो दिन भी आया और आपके मैम की ज्वाइनिंग भी हो गई और आज बिल्कुल अच्छे से लाइफ साइट मैं अपनी जगह बहुत अच्छा हूं और मैं तो चाहता ही हमेशा ये था कि मुझे जॉब मिले ना मिले मुझे नहीं चाहिए बट मैं जिस लाइन में आना चाहता था भगवान की दया से आप लोगों के सभी के सहयोग से अपनी लाइन पे भी खड़ा हूं तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि यार हमसे नहीं हो पाएगा एक जोश जुनून लाइए बेटा फर्स्ट डे जो जोश होता है जैसे आज बहुत से बच्चों में जोश आया हुआ है अभी बहुत से बच्चों में एक जुनून आया हुआ है कि एग्जाम जोश, ये जोश, ये जोश, जोश, जोश को एक ही चीज से मेंटेन किया जा सकता है वो आपका मॉक टेस्ट होगा है ना डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना ही है, लगाना है, किसी भी कीमत पर लगाना हो मॉक टेस्ट आपको लगाना है, एक ऑनलाइन और एक सेक्शनल एग्जाम इंग्लिश का 45 दिन में यदि आप लोग चेंज ना हो जाओ तो मुझसे आके मिल लेना जो आप कहोगे ना वो चीज आपको दूंगा जो आप मुझसे बोलोगे वो चीज आपको दूंगा बट कोशिश कीजिए बच्चे अच्छे से कोशिश कीजिए ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझिए आप लोग बातों को इन बातों को समझिए भाई आप जैसे ना अभी एक सीजीएल का बच्चा है आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के देना देखना वहां पे लिखा मिलेगा सक्सेस स्टोरी ऑफ सागर झा एक बार पढ़ के देख लेना एक बार ना छोटी सी वीडियो है इनकी ये पढ़ के देख लेना ये एक मेरा स्टूडेंट है जो आज सीजीएल को लगभग दो से तीन बार क्वालिफाई कर चुका है और अभी जो 2019 का रिजल्ट आया दो दिन पहले इनके जो मार्क्स है सिक्स नाइन वन आउट ऑफ सेवन हंड्रेड 700 में से छह सौ मार्क्स हैं सीजीएल में सीजीएल एक बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है और पूछ लेना इनका मोबाइल नंबर भी कहते हो मैं यहां पे लिख देता हूं यदि आप लोग कहते हो तो पूछ लेना भाई इन्होंने कहां कहां से इंग्लिश को कैसे यूज किया है पहले दिन जब एग्जाम दिया ना दो में से दो में से इतना मार्क्स आया था प्रम्स में जब पहले दिन एग्जाम लिया लेकिन तीन साल दो साल पीछे मुड़के नहीं देखा था मां को मां और बाप को बाप कहना छोड़ दिया था एक मेहनत की थी खुद मां बाप मिलने के लिए दिल्ली आते थे खुद नहीं जाता था और आज उसी की बदौलत है कि दुनिया उनसे मिलना चाहती है आप लोग उनसे मिलना चाहोगे जब आपकी बातें होंगी आप खुद बोलोगे सर ये बच्चा नहीं है भगवान है तो कोशिश कीजिए भाई बहुत सी चीजें बलिदान करनी पड़ती हैं आप लोग सोचते हो कि मौज मस्ती भी हो जाए ये चीजें हो जाए नहीं बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में छोड़नी पड़ती है आप लोगों को तो कोशिश कीजिए आप लोग अच्छे से पढ़ने की ना चले तो चलते हैं हम लोग अपने कलेक्टिव में बहुत ज्यादा बातें बातें हो गई हैं यार इतनी तो अच्छी नहीं होती है। ठीक है ऐसा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है एक अपने अंदर इसका क्या किया जाए देखो बेटा यदि अपने आपको पहले ही बोलोगे ना कि हमें पढ़ने से ऐसा लगता है वैसा लगता है तो शायद में भी आप लोग अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे है ना पहले तो इस मन में भैं जो है कि आप अंदर ये जो डर है ना इसको निकाल लिए आप ठीक है हाँ इसको निकालिए इसको बिल्कुल ऐसा कीजिए यार एक देखो अपने चैनल ने भी कितनी रिक्वेस्ट आप लोगों से की है मैंने तो चलो बोल दिया ठीक है मैं तो बोलता हूँ एक आदत आदर्श बन गई है ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते बट चैनल ने भी कितनी रिक्वेस्ट आप लोगों से की है कि कम से कम फर्स्ट क्लास है सेवेंटी प्लस का एम कीजिए लेकिन आपने एक आंख से देखा और एक आंख से निकाल दिया दुनिया कानों से बोलते ना एक कान से सुना एक से निकाल दिया आपने एक आंख से देखा और एक आंख से इग्नोर किया कोशिश कीजिए भाई है ना कहीं ना कहीं हम भी यदि आप लोगों से मोटिवेट होंगे ना तो जलवा एक ही इंसान का होगा बैंक में भी आने वाला टाइम में दिखा दूंगा आप लोगों को यदि अच्छे से फॉलो किया होगा आप लोगों ने बातें एक एक सुनी होंगी और अच्छे से जाकर उन बातों को अपना लोगे तो एक दिन ऐसा आएगा शायद आपको एक ही फैकल्टी अच्छी लगेगी आपको लगेगा यार क्लास लेंगे तो उनकी लेंगे है ना और एक दिन ऐसा भी आएगा आपको मेरे भी क्लास लेने की नीड नहीं होगी आपका ऑटोमेटिक आप ही एग्जाम निकल जाएगा हम्म बिल्कुल ओके इंक्रीज हो रहे हैं हाँ हो जाएंगे बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं ना चले देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा कलेक्टिव नाउन होता है एक नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स एक जैसी थिंग्स की जो कलेक्शन होती है उस कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोलते हैं और यहां से एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन में जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने यहां पे बातें की टीम यहां पे फैमिली वर्ड हो सकता है यहां पे एक वर्ड हो सकता है स्टाफ एक वर्ड हो सकता है स्वाम मोब यहां पे आप लोग ले सकते हो बैवी वर्ड यहां पे हो सकता है है ना और बेवी के साथ साथ बच्चे हम लोग यहां पे फ्लोक फ्लेट ऑडियंस ठीक है एक हो सकता है ग्रुप कमेटी बोर्ड ये जितने भी चीजें जो भी वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं ये सभी क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन होते हैं ठीक है और अब यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है है ना क्वेश्चन देखो एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ यदि कभी भी आप लोग नाउन को जब पढ़ोगे सबसे मेन चीज जो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए होती है जो बैंक वाले बच्चों के लिए एस वालों को तो बिल्कुल डीप में पढ़ना पड़ता है भाई और जो छोटे एग्जाम होते हैं उनको भी कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए बट मैं मानता हूँ कि जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं बैंक्स की खासकर बात की जाए तो बैंक वाले बच्चों को ना सबसे पहले एक पता होना चाहिए नाउन की आइडेंटिफिकेशन है ना नाउन की आइडेंटिफिकेशन नाउन की नहीं आपको जब सेंटेंस आपको इंग्लिश का मिलता है तो आपको कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच की एक बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए एक बेसिक नॉलेज मतलब कि आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि हां ये वर्ड क्या है यदि इतनी नॉलेज आपके पास है आई थिंक आप लोगों का एग्जाम निकालना काफी इजी हो जाएगा ठीक है उसके बाद सेकेंड थिंग जो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए होती है ये सभी चीजें ना बैंकिंग वाले बच्चों के लिए है अभी बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए देखो सेकेंड थिंग होती है बेटा कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की पोजीशन यानी कि नाउन का टॉपिक है तो नाउन की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए ठीक है सबसे मेन चीज नेक्स्ट जो थिंग है बेटा वो क्या होनी चाहिए जो नाउन गिवन होता है बेटा नाउन का आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन आपका काउंटेबल फॉर्म में है या अनकाउंटेबल फॉर्म में है उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपके पास नाउन के इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए कि नाउन को आप लोग देखते ही पहचान लो कि यार ये नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में है और ये नाउन आपका प्लुरल फॉर्म में है नाउन की जो पोजीशन होती है बेटा ये या तो सब्जेक्ट होता है या नाउन अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? होता है है मतलब ये आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक हो सकता है जी हाँ ओके, बहुत बढ़िया भाई थैंक यू सो मच आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सेशन को शेयर किया बेटा कोई बात नहीं है ना आप बस इतना बता दो सभी बच्चों को जो आपके लिंक में जितने बच्चे जैसे इवनिंग में जो बच्चे आते थे उनको लगा हुआ कि इंग्लिश का बैच अभी खत्म हो चुका है फिनिश हो चुका है बस उन तक आप लोग इन्फॉर्मेशन दे दो कि अपना जो बैच है सेम बैच बिल्कुल स्टार्टिंग से एक टॉपिक वाइज आपका सुबह के बैच में स्टार्ट हो चुका है टाइमिंग है ए एम पहले पाँच दिन क्लास होगी फाइव डेज आपका शेड्यूल होगा ठीक है सिक्स डे यदि मुझे लगा कि क्लास लेने के तो मैं ले भी लूंगा मुझे लगा नहीं है तो आपको फिर दो दिन का गैप दिया जाएगा बेटा दो दिन में आप लोग जो पांच दिन में टॉपिक कंप्लीट किया है तो दो दिन में उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए ठीक है देखो किसी भी जब एग्जाम को देते हो तो सेंटेंस में सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन की बात होती है तो नाउन के लिए चीजें आपको पता होनी चाहिए इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आने वाली क्लास में भाई नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है नाउन की पोजीशन कैसे होती है काउंटेबल अनकाउंटेबल को कैसे पहचाने नाउन सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ये सभी चीजें हम लोग आप लोगों से पूछने वाले हैं ना तो जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं आज मैं चलते चलते तो क्वेश्चन नंबर वन बेटा यहाँ पे गिवन है सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि जो सेंटेंस आपके सामने गिवन है इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है हा हाँ बेटा इसी टॉपिक का टेस्ट भी हम लोग लेंगे ना भाई जितनी चीजें शायद मैं बाकी एग्जाम्स में बच्चों को देता हूं आपको भी मिलेंगे बस चीज ये है कि वहां फीलिंग एक साथवें आसमान पे होती है वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं और आप भी पढ़ने वाले बच्चे ऐसी बात नहीं कि पढ़ने वाले नहीं हो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं यहाँ पे भी है ना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी बच्चों में जोश आ जाएगा और जिस दिन जोश आएगा यहाँ भी देख लेना जलवा अपना ही होगा ओके हाँ देखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आया और आप सभी ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है ना बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बिल्कुल भाई बिल्कुल ओके हम्म बिल्कुल देखो बस यही चीजें आप लोगों को नाउन में देखनी अभी हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन तक पढ़ा है उसके बाद कल आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी एक दो क्वेश्चन ने इसलिए लिया है ताकि आपको नाउन के पोजिशन का पता चल जाए इन्होंने कहा can't you see आप नहीं देख सकते कि i can't you see ये गलत नहीं है कुछ हाँ चलो can't you see दैट यदि हम लोग लेते हैं चलो यहां से that the cattle is grazing in the field देखो यहां पे बेटा जो कंजंक्शन है दैट यहां पे देखो दैट आपको एक चीज में आपको बताता हूं जो दैट होता है इसको यूज किया जाता है कभी-कभी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान रखना इसको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन या कभी कभी आप लोग देखोगे डेट को यूज किया जाएगा एज अ कंजंक्शन इसको कंजंक्शन भी हम लोग मानते हैं उसके बाद बेटा कभी कभी जो डेट होता है इसको हम लोग यूज कर, करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो डेमोन्स्ट्रेटिव हाँ। तो प्रोनाउन बस दो मिनट देखो अब आपको पता होना चाहिए डेट रिलेटिव प्रोनाउन कब होगा यहां पे आप देखोगे कि कंजंक्शन कब होगा डेमोन्स्ट्रेटिव कब होता है ये चीजें आप सभी स्टूडेंट के पास नॉलेज होनी चाहिए बेटा यदि रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो डेट के बाद ना हमेशा वॉब या हेल्पिंग वर्ब मिलेगा कंजंक्शन होगा तो इसके बाद एक आपको कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा और डेट के बाद यदि इसके लिए कोई नाउन आया हुआ है जैसे डेट बुक डेट पेन डेट ये तो ये आपका बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा ठीक है यदि डेट को वैसे यूज किया गया एक सिंपल सेंटेंस में इसके बाद हेल्पिंग वॉब मिलता है तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा ये सभी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए तो यहाँ पे एक सेंटेंस है सेंटेंस को कंबाइन किया गया तो डेट एक कंजंक्शन मान सकते हैं तो द कैटल क्या हुआ एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ सब्जेक्ट आपका क्या होता है कोई ना कोई नाउन होता है है ना नाउन या प्रोनाउन होता है अब नाउन है तो नाउन की फॉर्म आप लोग जान लो क्योंकि नाउन पे डिपेंड होगी वॉब व डिपेंड होगी तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन कौन सी फॉर्म में है सिंगुलर फॉर्म में या प्लुरल फॉर्म में अब आने वाली क्लास में बताएंगे कि कौन सा नाउन सिंगुलर होगा कौन सा प्लुरल कब होगा है ना वैसे आज के लिए मैं बता देता हूं जो कैटल बेटा वो हमेशा ही प्लुरल फॉर्म में होता है इसलिए यहां पे ईज नहीं आएगा यहां पे जो यूज होगा आर का यूज होगा बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो होगी वो हम लोग क्या है आने वाली क्लास में इसको पढ़ेंगे ठीक है तो आज का सेशन आप लोगों को सभी को कैसा लगा आप लोग बता दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का कि आप लोगों ने एक बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एक टाइमिंग चेंज पे भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया बेटा बहुत ही अच्छा आप लोगों ने साथ दिया ऐसे ही साथ देते जाइए हाँ इसकी पीडीएफ डी में डाल दूंगा अपने जो टेलीग्राम चैनल है मेरा खुद का भी टेलीग्राम जो चैनल है और जो अपने अमर सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। दोनों पर आपको पी मिल जाएगा ठीक है हाँ तो मिलते हैं बेटा कल सेम टाइमिंग एटीएम एम तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच जय हिंद